रीवा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का है बुरा हाल। होम्योपैथिक चिकित्सालय में दवाइयों की कमी, मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। सिंगरौली से राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह का एक दिवसीय दौरा, विकलांग पुनर्वास केंद्र सहित टीकाकरण की देखी व्यवस्थाएं। धार जिले में चिटफंड के नाम पर करोड़ों की ठगी, आरोपी विकास खंड संयोजक गिरफ्तार। मंदसौर डीएम ने पशुपतिनाथ मंदिर का किया निरीक्षण, मंदिर में दर्शकों को बड़ी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। आपको बता दें कि मंदिर परिसर में प्रशासन ने लगवाई 41 कैमरे। धार जिले में गुस्साए शिक्षक ने सीएम को कहे अपशब्द, बोला एक एक को गोली मार दूंगा। नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। सिंगरौली राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह एक दिवसीय दौरे पर सिंगरौली पहुंचे। यहां उन्होंने विकलांग पुनर्निवास केंद्र सहित टीकाकरण की व्यवस्थाएं देखी। बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद ने बताया कि सिंगरौली जिले में टीकाकरण की बेहतर व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा एक सवाल के जवाब में राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने कहा कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण होना आवश्यक है, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहद तकलीफ होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अभी इस पर चर्चा होनी देश भर में जरूरी है, आने वाले समय में कानून बनाने के लिए अपना मत देना पड़ेगा तो वह भी दिया जाएगा। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर चल रहा है, मध्य प्रदेश में कार्यक्रम बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। आज सिंगरौली जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। सारी व्यवस्थाएं बड़े उत्तम ढंग से यहाँ पर जिला प्रशासन और जो चिकित्सा विभाग है उसने आयोजित किया है और बड़े सुचारू रूप से यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है और वैक्सीनेशन के लिए जो एहतियात है उन सारी बातों का पालन। पवित्र सावन मास की शुरुआत हो गई है। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपति के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं भक्तों के पहुंचने से पहले श्रावण मास की तैयारियों का जायजा लेने कलेक्टर मनोज पुष्प और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा पहुंचे, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आपको बता दें कि भगवान महादेव की आराधना के सावन माह को देखते हुए पूरे मंदिर परिसर में विशेष तौर पर उसे सजाया गया है, साथ ही गर्भगृह में भी साथ सज्जा की गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से 41 कैमरे भी लगाए गए हैं। श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है तो मंदिर में जो श्रावण की व्यवस्थाएं हैं पूजा की और श्रृंगार की और साज सज्जा की, उसको देखने और जो सुरक्षा के इंतजाम हैं कोविड के मद्देनज़र, जो कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो व्यवस्था लगाई गई है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। जो कंट्रोल रूम बना है और जिसके माध्यम से पूरे परिसर की देख और सुपरविजन की जाएगी और हर तरह के परिस्थितियों के हिसाब से व्यवस्थाएं। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता ललित शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ललित, जिस तरीके से मंदसौर में मंदिर प्रशासन ने 41 कैमरे लगाए हैं, सावन मास की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं? जी मैम, मैं बता दूं आपको कि लगभग कल देर शाम कलेक्टर मनोज पुष्प है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा भी वहां पर पहुंचे हैं, निरीक्षण किया कि तैयारियों का जायजा लिया है, वहां देखा कि क्या व्यवस्था है, क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी को भी देखकर लोगों को जागरूक करना है और कोरोना के नियमों का पालन करवाते हुए लोगों को दर्शन करवाना है। एक ग्रह है वहां पे भी प्रवेश बंद है। जी मैम जी, तो ललित जिस तरीके से आप पूरी जानकारी दे रही हैं, जहां डीएम ने भी आज मंदिर का निरीक्षण किया है, ऐसे में जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस इस वक्त जारी की गई हैं और दर्शन के लिए जो भी भक्त पहुंचेंगे उनके लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं, ऐसे में पशुपति नाथ मंदिर में जो मंदिर प्रशासन है उसकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां देखने को मिली है, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? मंदिर प्रशासन की तरफ से 41 कैमरों की निगरानी में ये मंदिर रहेगा, सभी जगह कैमरे निगरानी रखेंगे एवं सभी जगह चाक चौबंद व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था है कि सभी जगह लोगों की ध्यान हर चीज के लिए लोगों से पूछा जाएगा और प्रोटोकॉल कोरोना के प्रोटोकॉल के अनुसार ही श्रद्धालु को प्रवेश दिया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मंदसौर से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सावन मास का आगाज होते ही मंदिर में दर्शन पाप करने पहुंचने वाले भक्तों के लिए इस वक्त प्रशासन सख्ती से नजर आ रहा है। आपको बता दें कि आज डीएम ने पशुपतिनाथ मंदिर का निरीक्षण किया, जहां पर मंदिर प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाएं किसी से छिपी नहीं है, कहीं अस्पताल नहीं है तो कहीं डॉक्टरों की कमी है। ऐसा ही हाल है रीवा के होम्योपैथिक चिकित्सालय का। ये चिकित्सालय 1965 से संचालित है, फिर भी यहां पर पर्याप्त मात्रा में जरूरी दवाएं नहीं है, जिससे यहां आने वाले मरीजों को निराशा ही हाथ लगती है। साथ ही भवन भी जर्जर हो चुका है, जिससे यहां काम करने वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये संचालित है 1965 से शासकीय होम्योपैथी औषधालय कला मंदिर है, और ये नगर निगम के अधीन संचालित है। इसमें वही बरसात के समय बिल्डिंग मतलब खराब हो जाती हैं दीवारें, दवाइयों का रख रखाव अच्छे से नहीं हो पाता है। इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे रीवा संवाददाता शमीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शमीम, जिस तरीके से रीवा में होम्योपैथिक चिकित्सालय के हालात हम देख पा रहे हैं, जहां पर भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, ऐसे में आपने कवरेज के दौरान क्या कुछ स्थिति पाई है अस्पताल की? जब मेरे अंदर हम लोग गए देखने के लिए तो पूरा जर्जर था, मतलब चारों तरफ से पानी गिर रहा था, और पूरे ऐसा लग रहा है कहीं आज भी कहीं गिर भी सकता है ये। और ये बहुत पुराना जर्जर बना हुआ है, 1965 में इसका निर्माण हुआ था। आज भी हाल ऐसे न डॉक्टर मिलते हैं यहाँ पे, और ना मरीज भी जो आते हैं दवाई ववाई लेने, पूरा दवाई नहीं मिल पाता वहाँ पे, तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है डॉक्टरों को भी और मरीजों को भी। जिस तरीके से आप अस्पताल के हालातों को बता रहे हैं, वहीं पर देखा गया है कि दवाइयों की कमी भी इस वक्त हो चुकी है। ऐसे में पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से वहां पर अस्पताल की स्थिति है, वहीं दवाइयों की भी कमी है, इस पर अस्पताल प्रशासन का क्या कुछ बयान सामने आया है? सामने जब लोग बात किए प्रशासन की, दवाई कुछ बोला की दवाई के बाहर आ नहीं पाता, और यहाँ पे सुविधा दी है की दवाई मिल नहीं पाती है, ना मरीज की मिल पाती है, ना स्टॉक हमारे पास है, स्टॉक न होने के कारण दवाई यहाँ पास आ नहीं पाती है। बहुत बहुत धन्यवाद शमीम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रीवा से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जिले में इस वक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल हो चुका है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको होम्योपैथिक चिकित्सालय से दिखा रहे हैं, जहां पर चिकित्सालय का भवन भी जर्जर हो चुका है, साथ ही वहां पर दवाइयों की भारी कमी भी देखने को मिल रही है। वहीं सिंगरौली जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ऑटो और कार की टक्कर में दो वृद्ध महिलाओं समेत तीन लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक की उपचार के दौरान सिंगरौली के जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतकों की संख्या इस वक्त चार हो गई है, जबकि एक घायल की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ोखर गोरबी के मार्ग का बताया जा रहा है। बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही बरगवां थाना प्रभारी नागेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, और मृतकों का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। चार व्यक्तियों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय बैढ़न में भर्ती कराए गए हैं। ओवरलोडिंग नहीं थी, ऑटो में सिर्फ पांच लोग थे जो कि उसकी निर्धारित परमिट में थे, और कार में भी निर्धारित संख्या में वहाँ दो लोग थे, जबकि धार जिले के निसरपुर में विकास खंड संयोजक दिनेश नागराज चिटफंड मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जिलाधिकारी सहित सारे जिम्मेदार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस घटनाक्रम की सारी जानकारी होने और दिनेश नागराज से पुलिस की पूछताछ के बाद भी जिले के आला अधिकारियों को मामले के बारे में जानकारी नहीं दी गई। बता दें कि म्यूचुअल मेकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर जनता के करोड़ों रुपए को आरोपियों ने हड़प लिया, और अधिकारियों और नेताओं की मिली भगत के चलते इस मामले को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जनता के दबाव के चलते मामला जरूर दर्ज किया गया है। मैंने थाना प्रभारी का जैसे ही मालूम पड़ा कि किस थाने में शिकायत दर्ज हुई है, तो मुझे 12 तारीख को मालूम पड़ा कि वो पलसू थाने में दर्ज हुई है। पलसू थाना प्रभारी को लेटर लिखा के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए, जानकारी जब मिली तो उसके बाद उस जानकारी को मैंने एसी साहब को पूरे पत्र के साथ
अग्रिम कार्रवाई। जहां चिट फंड मामले में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे धार संवाददाता घनश्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो घनश्याम, जिस तरीके से यह पूरा मामला धार से सामने आया है, जहां पर चिट फंड के नाम पर करोड़ों रुपए की जनता के साथ ठगी की गई है, क्या कुछ पूरा मामला है? धार जिले के निसरपुर का मामला है, जहां पर चिट विभाग में पदस्थ बाबू दिनेश नागराज ने और उसके साथियों ने मिलकर एक चिट फंड चालू किया था। उसमें चीटिंग की गई है लोगों के साथ में, जिसमें 4 से 4.5 करोड़ के लगभग लोगों से ठगी की गई है। मामला निपड़वानी में दर्ज हुआ है। पिछले 26 रोज से दिनेश नागराज जेल में बंद है, परंतु उस पर शासन के द्वारा निरस्त की कार्रवाई नहीं की गई है और न कोई अधिकारी ध्यान दे रहा है। जी, तो घनश्याम, जिस तरीके से आप पूरा मामला बता रहे हैं, वहीं इस पूरे मामले को लेकर विकासखंड संयोजक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, पर बड़ी बात देखने को यह आ रही है कि जो तमाम जिम्मेदार नेता हैं, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, वो इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई है? वजह कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है, सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला इससे संबंधित जो भी अधिकारी है वो इस मामले को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी, तो जिस तरीके से पूरे मामले की आपने जानकारी दी, वहीं पर आरोपी विकासखंड संयोजक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं मामला भी दर्ज किया गया है, तो ऐसे में क्या आगामी दिनों में क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी देखने को मिल सकती है? जी, जितने भी साथी थे उनमें से मात्र 2 जन को गिरफ्तार किया है। अभी फिलहाल में 2 बंद है, बाकी लोग बाहर हैं। जब तक उनकी गिरफ्तारियां नहीं होगी तब तक यह मामला चलता रहेगा। धन्यवाद घनश्याम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो धार से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चिट फंड के नाम पर लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की गई है, वहीं इस पूरे मामले में अधिकारियों की चुप्पी भी देखने को मिल रही है। एक नाबालिग लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर 16 लाख रुपए ऐंच लिए। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़की ने 1 लाख रुपए की चोरी करते हुए वो पकड़ी गई है। पकड़े जाने के बाद लड़की ने अपने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी। सच्चाई सामने आने के बाद लड़की के परिजनों ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला इंदौर के बड़गोर्दा थाना क्षेत्र के कोदरिया गांव का बताया जा रहा है। यहां रहने वाले 17 साल के लड़के का पड़ोस में रहने वाली 16 साल की लड़की से अफेयर था। इस दौरान आरोपी ने लड़की की अश्लील वीडियो भी बना ली। जब आरोपी को पता चला कि लड़की के पिता ने 4 करोड़ रुपए की जमीन बेची है, तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा। में 2 बच्चे बच्ची साथ में पढ़ते थे, और तो लड़के ने लड़की को बताया कि मैंने तुम्हारा फोटो मेरे पास है और मैं फोटो को एडिट करके उसको वायरल करूँगा। और उसके बाद एक दिन घर वालों को पता चला बच्ची पैसे ले जाते हुए, तो उन्होंने फिर पूछताछ की, तो उसने पूरा बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, इस लड़के ने जो है मेरे फोटो वायरल करने की मुझे धमकी दी है, तो इस प्रकार से उसने पैसा दिया। इसी बात को लेकर बच्ची के पिताजी थाने पर आए थे, उस पर से जो है FIR अपराध क्रमांक जो है 388-21 धारा 384 IPC का पंजीबद्ध किया गया और बच्चे को बुलाया गया था। बच्चे को पिता को सूचना दी थी, पिता स्वयं फिर उसको लेकर उपस्थित हुए। उन्होंने इंदौर की तेजाजी पुलिस ने एक सरपंच पति के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है। बता दें कि सरपंच पति ने एक महिला को 1 साल तक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और शादी के बाद जब आई तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना पुलिस ने सरपंच पति के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोपी का नाम विजय बताया जा रहा है, जिसकी पत्नी मोरोद की सरपंच है। बता दें कि आरोपी सरपंच पति विजय की 1 साल पहले सोशल मीडिया पर एक युवती से दोस्ती हुई थी। विजय ने उसे इंदौर बुलाकर अपने अपार्टमेंट पर रख लिया। कुछ दिनों बाद विजय ने पीड़िता से शादी की बात कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब पीड़िता ने विजय से शादी की बात कही तो उसने पीड़ित महिला को जान से मारने की धमकी दे दी। तेजाजी नगर पुलिस ने सरपंच पति के खिलाफ फिलहाल दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है।
द्वारा बताया गया है कि करीबन एक साल से उसके साथ वो उसके फ्लैट पे रह रही थी और लिव इन में रह रहे थे वो लोग, बाकी शादी का झांसा देके शारीरिक संबंध बनाने। रायसेन में राजमार्ग 15 सिलवानी बरेली मार्ग पर नीगरी मोड़ के पहले पेट्रोल पंप के पास कार और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि सिलवानी से साई खेड़ा की ओर कार जा रही थी, तभी अचानक बाइक सवार दूसरी तरफ से बाइक लेकर आ गया, जिसके बाद हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रास्ते में ले जाते वक्त बाइक सवार की मौत हो गई। खबर भोपाल से है, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा के ही काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां कोरोना महामारी का प्रकोप है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। कर्मचारी बिना मास्क और दस्ताने के कूड़ा कचरा उठाते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बता दें कि भोपाल के अधिकतर नगर निगम वार्ड का ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। तो भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम की घोर लापरवाही देखने को मिली है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधे तरीके से दिखा रहे हैं, जहां नगर निगम की घोर लापरवाही के चलते इस वक्त सफाई कर्मचारी बीमारियों को न्योता देते दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के सफाई करने को इस वक्त मजबूर है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में नगर निगम की तरफ से ये घोर लापरवाही देखने को मिली है। वहीं से खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे एमपी हेड धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धर्मेंद्र, जिस तरीके से भोपाल से नगर निगम की ये घोर लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां सुरक्षा कर्मी बिना सुरक्षा उपकरण के सफाई करने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, नगर निगम की लापरवाहियां आए दिन साफ तौर पर उजागर होती रहती हैं, और नगर निगम जहां दूसरों को समझाइश देता है मास्क न लगाने पर उनका चालान काट दिया करता है, लेकिन उसके अपने ही निगम कर्मियों पर उसकी नजर नहीं पड़ती है। और इसी के चलते ये सारी घटनाएं केवल भोपाल में नहीं, कई जिलों में देखने के लिए मिल रही है। नगर निगम के कर्मी हाथ में बिना दस्ताने पहने हुए, बिना किसी औजार से कचरा अपने हाथों से उठाकर ट्रॉले में रख रहे हैं, उसको गंदगी को हटा रहे हैं, और इससे उनको भी खतरा बना हुआ है। ना चेहरे पर उनके मास्क है, ना कोई सुविधाएं उनके पास में। एक तरफ नगर निगम बड़ी बड़ी बातें करता है और लोगों से कहता है कि आप मास्क नहीं पहनेंगे तो हम चालान काटेंगे, लेकिन उसे खुद के निगम कर्मियों पर उसकी निगाह नहीं पड़ती है कि आखिर वो किस तरह से क्या दुर्दशा, किस हालात में वो लोग काम कर रहे हैं। और यही एक नजारा फिर एक बार देखने के लिए मेरा भोपाल शहर में, जब नगर निगम कर्मी अपने हाथों से कचरा मैला ढो रहे थे और उठा उठा कर उसको गाड़ी में रख रहे थे। इस दौरान ना उन्होंने मास्क पहना था, ना ही हाथ में कोई दस्ताने पहने हुए थे, जो कि नगर निगम के द्वारा उनको मुहैया कराए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके पास कोई सामग्री इसमें मौजूद नहीं थी। मतलब जाहिर सी बात है कि नगर निगम कर्मियों पर खुद नगर निगम का ध्यान नहीं है, और उनके पास ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी कि वो लोग खुद उनका इस्तेमाल करें और खुद की सुरक्षा कर सकें। तो ये नगर निगम कर्मियों की भी जानो माल के नुकसान का सवाल है, जिस पर नगर निगम प्रशासन को जागना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जी तो धर्मेश, जिस तरीके से अब मामला संज्ञान में आ चुका है, वीडियो इस वक्त हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ नगर निगम की तरफ से सफाई पेश की गई है इस पूरे मामले पर? देखिए, नगर निगम की आदत है कि जब भी उसके किसी मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की जाती है, साफ गोई से बचते नजर आते हैं, सामना नहीं करते हैं और बात को दरकिनार कर देते हैं, टालम टोली का माहौल रहता है। तो वही देखने के लिए मिला इस बार, जो नगर निगम कर्मियों से पहुंचे जो अधिकारी हैं नगर निगम के, उनसे जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे, जांच कराएंगे, लेकिन कैमरे के सामने आने से बचते रहे। और कोई भी जिम्मेदाराना पूर्ण जो जवाब देना चाहिए उनको, एक जिम्मेदारी होती है अधिकारियों की कि अपने कर्मचारियों के प्रति भी वो एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाए, ऐसी कोई जिम्मेदारी देखने के लिए नहीं मिली यहाँ पर। और फिर वही उनका ढुलमुल रवैया सामने आया कि उन्होंने साफ तौर पर ये कहे कि हम देखेंगे, जांच कराएंगे, चेक कराएंगे कि आखिर कौन थे, हमारे पास सामग्री मौजूद है, ये क्यों नहीं पहना उन लोगों ने, उनकी गलती है, इस तरह से किससे कहकर बात को टाल दिया गया। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो भोपाल से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम की घोर लापरवाही भरी तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि भोपाल में सफाई कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरण के सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धार जिले के कुक्षी में कोरोना काल के बाद स्कूली बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था और योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में गुस्साए एक शिक्षक ने सीएम को अपशब्द कह डाले। वो शिक्षक लंबे समय तक स्कूल बंद रहने की बात से नाराज था। शिक्षक ने कुछ अन्य महापुरुषों को भी अपशब्द कहे। इसके अलावा शिक्षक ने बैठक में उठकर गुस्से में कहा कि स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हो, मेरे बच्चे बिगड़ रहे हैं। चार दिन बाद इसका वीडियो वायरल हुआ तो
बीईओ ने इसकी जांच शुरू करवाई। बता दें कि 20 जुलाई को कन्या विद्यालय के सभागृह में जन शिक्षा केंद्र कुक्षी के शिक्षकों की शासकीय कार्यों की समीक्षा बैठक रखी गई थी, जिसमें बीआरसी राजेश जमरा भी मौजूद थे। 20 तारीख को मीटिंग थी बीआरसी के सभा कक्ष में, और वहाँ पे एक शिक्षक है गोविंद सिंह पिता रुखड़िया, अलावा ये वर्ग दो में रोजा माध्यमिक विद्यालय रोजा में पदस्थ हैं, उनके द्वारा अश्लील शब्दों का उपयोग करते हुए गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस आशय की उनकी उनकी रिपोर्ट पर धारा 353 190 और 294506 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।